इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब आप लोग अपनी फाइवर की गिग का टाइटल लिखते हैं तो वहां पर एक प्रॉब्लम आती है जो कि बहुत ज्यादा लोगों को आती है जो खास तौर पर न्यू होते हैं। आखिर वो प्रॉब्लम आती क्या है और आप उस प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पा सकते हैं, वो जो एरर आपके फाइवर की गिग के टाइटल में आता है, इस वीडियो को देखने के बाद वो एरर कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि वो एरर आता क्यों है और उससे छुटकारा कैसे पाया जाता है। और इसके साथ साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपनी फाइवर की गिग पर एक वायरल टाइटल कैसे लिख सकते हैं जिससे आपको ऑर्डर्स की भरमार हो। तो चलिए चलते हैं अपनी फाइवर की गिग पर और सीखते हैं इस प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पाया जाता है। तो जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, जब हम अपनी गिग का टाइटल लिखते हैं तो हमें कुछ ऐसा करके प्रॉब्लम शो हो जाती है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रॉब्लम में लिखा आ रहा है टाइटल कैन कंटेन्स लेटर्स एंड नंबर्स ओनली। सिंपल अल्फाज में इसका मतलब है कि टाइटल में आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के वर्ड लिख सकते हैं यानी ABCD वगैरह, इसके साथ गिनती लिख सकते हैं यानी कि 1, 2, 3 वगैरह, इसके अलावा या सिर्फ आप डॉट जैसा कि ये देखें ये नुक्ते ये दे सकते हैं, इसके अलावा कोई भी वर्ड आप अपने टाइटल में नहीं लिख सकते हैं। अगर लिखेंगे तो ये वाली प्रॉब्लम आ जाएगी, इसके साथ और भी बहुत सी प्रॉब्लम आएंगी। तो चलें अब मैं आपको दिखाता हूँ इन प्रॉब्लम्स का सलूशन, सिर्फ चंद मिनट्स में प्रॉब्लम का सलूशन और ऐसा टाइटल जो वायरल हो, जो गिग को रैंक करे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं फाइवर ने लिखा है कि आपकी गिग का टाइटल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसमें कीवर्ड ऐड करें। तो चलें देखते हैं कि कैसे हम ये सब कर सकते हैं। सबसे पहले हमने एक गिग खोली है क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग ये करते हैं, इसका टाइटल कॉपी करते हैं। और अब हम चलते हैं, अगर हम इसको सिंपल यहाँ पर उठा करके डाल देते हैं तो ये देखें इसमें बी एरर आ गया। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा एरर। ओके, सबसे पहला आपने गलती ये नहीं करनी कि आपने आई विल यहाँ पर नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि फाइवर की गिग में अगर हम इसको ज़ीरो कर देते हैं ना, तो देखा आपने आई विल ऑटोमेटिक यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, तो इससे आपने अंदाज़ा लगाना है। अब हम करते हैं कंट्रोल वी यानी कि पेस्ट, आई विल को कर देते हैं रिमूव। इसके बाद देखा आपने जस्ट परफेक्ट हमारी गिग में लिखा आ गया, मतलब टाइटल हर चीज़ ठीक है। अब आपने क्या गलती नहीं करनी है, जैसा कि ये देखें, अब मैं ये करूँगा ना कॉपी पेस्ट, अब देखिएगा यहाँ पर एरर ज़रूर आएगा क्योंकि जो साइड में आप देख रहे हैं ना मनफी, ये वाली मनफी अलाउ नहीं करता फाइबर। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो देखा आपने आ गया ना एरर, तो एरर में आना ही था। क्यों? अब हम करते हैं इसको रिमूव, यहाँ से कट करते हैं, स्पेस देते हैं, ये देखा जस्ट परफेक्ट लिखा हुआ गया। परफेक्ट कैसे? क्योंकि हमने सिवाय इंग्लिश के वर्ड के और कुछ नहीं दिया। अगर आप यहाँ पर देना चाहते तो ये वाला डॉट दे दें, बस ये वाला नुक्ता अलाउ है, इसके अलावा कुछ भी यहाँ पर अलाउ नहीं है। और इसकी लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 80, लेकिन 60 यानी कि 60 लफ्ज से कम होगी तो अच्छी होगी। अब बात करते हैं कि कीवर्ड क्या होते हैं और टाइटल में ऐड कैसे किए जाते हैं। जैसा कि डाटा एंट्री 1 कीवर्ड, कॉपी पेस्ट 2 कीवर्ड, वेब रिसर्च 3 कीवर्ड और इसके साथ एक्सेल डाटा एंट्री 4 कीवर्ड इसने ऐड किए हैं, किसमें? अपने गिग के इस टाइटल। और इसके साथ अगर आप यहाँ पर लिखते हैं जैसा कि आई विल डू डाटा एंट्री फॉर $5, तो ये भी आप नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप $5 लिखेंगे ना तो इसके साथ आपको डॉलर का साइन देना पड़ेगा, तो डॉलर का साइन दिया तो फिर गलत आ गया, प्रॉब्लम्स तो आ गई। अगर हम इस सारे को भी रिमूव कर देते हैं तो देखिएगा फिर भी प्रॉब्लम आएगा। क्यों? क्योंकि हमने डॉलर का साइन दे दिया। जैसे ही मैं इसको ख़त्म करता हूँ जस्ट परफेक्ट लिखा हुआ गया। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपकी गिग का टाइटल जो है वो कैसे दिख रहा है, क्या उसमें खासियत है, क्या वो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? हम करते हैं इसको यहाँ से सेव, देखिएगा अगर सही होगा तो सेव हो जाएगा। देखा आपने, मुबारक को सेव हो गया, तो इसका मतलब है हमारी गिग का टाइटल सही है। अब हम करते हैं सेव एंड प्रीव्यू ताकि हमें दिखाया जाए कि कैसा नज़र आता है हमारा टाइटल। ओके, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये देखें, हमने आई विल डू डाटा एंट्री लिखा था, यही सेम हमारा टाइटल हमारी गिग पे आ गया हर चीज़। और इस तरीके से आप जो है ना $5 लिखते हैं ना, वो आपको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो यहाँ पर ऑलरेडी आ जाता है, प्राइस आपकी यहाँ पर आ जाती है। प्राइस का भी मैं आपको क्लियर कर दूँ, प्राइस जो है ना वो यहाँ पर नहीं आपने $5 देनी होती, वो आपने यहाँ प्राइसिंग में जाना होता है। और यहाँ पर ये देखें $5 लिखा हुआ आ गया ना, प्राइस के आगे $5, $15 और $30, तो ये सब कुछ आपने देना होता है यहाँ पर।
ओवरव्यू में सिर्फ आपने टाइटल देना होता है। तो टाइटल में आपने, अब मैंने आपको बता दिया, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं डालना जिससे फाइबर को लगे कि ये कुछ गलत है, तो आपकी वो गिग को एरर दे देगा, तो आपकी गिग कभी भी पब्लिश जो है ना वो नहीं हो सकेगी। तो पब्लिश नहीं होगी तो ऑर्डर नहीं आएंगे। और वायरल मैंने आपको टाइटल लिखना सिखा दिया है। तो अब अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि फाइबर की गिग पर ये जो पॉजिटिव टैग्स हैं जिनको सर्च टैग बोला जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि वायरल टैग्स आप कैसे लगा सकते हैं अपनी गिग पर ताकि आपकी गिग जल्द से जल्द रैंक कर सके, तो आपके सामने जो वाली वीडियो आ रही है उसके ऊपर क्लिक करें और सीखें। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप नीचे कमेंट कर दें।